रचनाएं की प्रस्तुति की। अब काव्य पाठ को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेंद्र निगम राज सर को। आपके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि आप भूतपूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक और भूतपूर्व निदेशक ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान रहे हुए हैं। सर, मैं आपका इस पटल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। बहुत शानदार संचालन आपका, शानदार शब्दों का प्रयोग धन्यवाद कर रही हैं आप आमंत्रित करने के लिए कवियों को, और इस शानदार पटल का भी बहुत बहुत अभिवादन मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं परम आदरणीय हरीश नवल जी, पूनम सागर जी, आदरणीय मैजिक मैन जोशी जी और नीता जोशी जी का आभार करता हूँ कि सुंदर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है 15 दिन का। और सबसे पहले 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ पटल के लिए, फिर अपना काव्य का प्रारंभ करता हूँ कि गीतों स्वागत। प्रश्नों का सुंदर संसार सजाया है, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के मन को भाया है। कि गीतों गजलों का सुंदर संसार सजाया है और छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के मन को भाया है, और जाने कितनी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया, कि जाने कितनी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया, और ये मैजिक माइंड पटल अब हर दिल पर छाया है। ये मैजिक माइंड पटल जो क्या अब बात, हर दिल पर छाया है, और हर दिल पर छाया हुआ पटल जोशी जी और आप सभी लोग, और सबका अभिवादन करते हुए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि समय कम है लेकिन पूरी पूरी 7 तरह की विधाओं का एक इंद्रधनुष पेश करूंगा आपके सामने। तो स्वागत है सर। उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं पहले कि समय कम है, कि बेशक थोड़ी देर मिलेंगे, बेशक थोड़ी देर मिलेंगे पर शबरी के बेर मिलेंगे, कि बेशक थोड़ी देर मिलेंगे पर शबरी के बेर मिलेंगे। और अपने मित्रों से कह रहा हूं कि जुड़े रहेंगे आप अगर तो, कि जुड़े रहेंगे आप अगर तो नई बहर के शेर मिलेंगे, कि जुड़े रहेंगे क्या आप बात अगर है तो नई बहर के जी, शेर मिलेंगे। और ये आदरणीय जोशी जी को और पटल को मुबारक हो कि ये विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और विश्व रिकॉर्ड बनाने की जहाँ तक बात है तो मेरी इस पुस्तक ने भी बनाया है तुम्हारे नाम की कविता, इसको भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी मिला हुआ है, जहाँ पर जोशी जी जिस कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसी कार्यक्रम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन। और इन विधाओं की कड़ी में सबसे पहले मैं कुछ पेश करता हूँ आपके सामने, जुड़ता हूँ मुक्तक से, कि ये हम कई लोग कविता लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि लफ्जों के समंदर में ये दिल दिन रात लगाता गोता है, कि लफ्जों के समंदर में ये दिल दिन रात लगाता गोता है, और मोती मिलने की चाहत में सीपी में आंसू बोता है, क्या बात, 100 तीर जिगर में लगते हैं दिल चुपके चुपके रोता है, कि 100 तीर जिगर में लगते हैं दिल चुपके चुपके रोता है, और तुम क्या जानो, तुम क्या जानो किस मुश्किल से एक शेर मुकम्मल होता है, तुम क्या जानो किस मुश्किल से एक शेर मुकम्मल होता है। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक और सा 4 लाइन और देखिएगा, कि कोरे कागज सा दिल तुम्हारा है शुरू कहाँ से करूं हाशिया नहीं मिलता, कि कोरे कागज बहुत सा कुछ दिल तुम्हारा है शुरू कहाँ से करूं हाशिया नहीं मिलता, और गजल लिखूं तो मैं कैसे अजीब मुश्किल है, कि गजल लिखूं तो मैं कैसे अजीब मुश्किल है, कभी रदीफ कभी काफिया नहीं मिलता, क्या था? गजल लिखूं तो मैं कैसे अजीब मुश्किल है कभी रदीफ कभी काफिया नहीं मिलता। और एक मुक्तक और देख लीजिएगा, कि हर घड़ी अश्क पी रहे हैं हम खुद ही जख्मों को सी रहे हैं हम, कि हर घड़ी अश्क पी रहे हैं हम और खुद ही जख्मों को सी रहे हैं हम, और ये जो चेहरे पे नूर दिखता है, ये जो चेहरे पे नूर दिखता है दर्द के साथ जी रहे हैं हम, ये जो चेहरे पे नूर क्या दिखता बात, है दर्द के साथ जी रहे हैं हम, और वाह, इसी तरह जीते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ मैं निवेदन करूंगा जो भी इस पटल को आगे बढ़ा रहे हैं, कि एक निवेदन ये रहेगा कि जो कवि का उत्साहवर्धन तभी होता है जब सामने कमेंट आते रहे, तो स्ट्रीम यार्ड जो भी संचालित कर रहे हैं कमेंट सामने रखते रहेंगे तो अच्छा लगता है, फिर बाकी तो आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और एक कोई आवाज कम होने की थोड़ी सी बात आई है जो मुझे दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पे अगर आगे आप देखते रहे कमेंट तो मैं दिखाई पड़े क्या हो रहा है, तो आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा मैं पास आने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, और आगे बढ़ता हूँ, एक मुक्तक और देता हूँ, कि स्वागत। लाख कोशिश की जमाने ने मगर, लाख कोशिश की जमाने ने मगर हो सके कब पस्त उसके हौसले, कि लाख कोशिश की जमाने ने मगर
हो सके कब पस्त उसके हौसले। और एक मुसलसल जंग है ये जिंदगी, एक मुसलसल जंग है ये जिंदगी, ये बयां करते बया के हौसले। एक मुसलसल जंग बहुत है ये खूब, जिंदगी, ये बयां करते बया के हौसले। और मुक्तकों की कड़ी में एक मुक्तक और देकर मैं अगली विधा पे आता हूँ कि दुख सहा करती किताबें क्या करें, कुछ नहीं कहती किताबें क्या करें। कि दुख सहा करती किताबें क्या करें, कुछ नहीं कहती किताबें क्या करें। और छप गई लोकार्पण भी हो गया, कि छप गई और लोकार्पण भी हो गया पर नहीं बिकती किताबें क्या करें। कि छप गई लोकार्पण भी हो क्या गया करते पर नहीं बिकती किताबें क्या करें। और इसी दुविधा के बीच किताबें बिकेंगी नहीं बिकेंगी, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगली विधा में दोहे, चार पांच दोहे प्रस्तुत करता हूँ। पहला दोहा है बाल विधवा के, उसके ऊपर है कि बचपन में वैधव्य का पड़ा तमाचा क्रूर, बचपन में वैधव्य का पड़ा तमाचा क्रूर, उसकी सूनी मांग में कौन भरे सिंदूर, उसकी सूनी क्या बात, मांग में कौन भरे कौन भरे सिंदूर। सिंदूर जी। और एक दोहा बाल विवाह का कि ब्याह रचाया गोद ले अंधा हुआ समाज, कि ब्याह रचाया गोद ले अंधा हुआ समाज, कल भी उसका चुक गया, कल भी उसका चुक गया नष्ट हो गया आज, कल भी उसका चुक गया नष्ट हो गया आज। और एक दोहा दहेज प्रथा पे कि सूली चढ़ती रात दिन बेटी सौ सौ बार, कि सूली चढ़ती रात दिन बेटी सौ सौ बार, हे दहेज तुम क्या धन्य बात, हो बाबुल है लाचार, हे दहेज क्या तुम बात धन्य हो बाबुल है लाचार। बहुत जी बहुत धन्यवाद। और एक दोहा और दहेज के ऊपर ही है कि परजाई है जान के मत जी मत बन उसका काल, कि परजाई है जान कर मत बन उसका काल, और तेरी बेटी भी कभी जाएगी ससुराल, तेरी बेटी भी कभी जाएगी ससुराल। अब कमेंट दिखा रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, कमेंट बिल्कुल दिखाने से सर, हिम्मत बिल्कुल बढ़ती सर। है। हमसे नीलू मेहरा जी जुड़ चुकी हैं, वीना जी जुड़ चुकी हैं, राजेंद्र जी लगातार बने हुए हैं, वंदना जी जुड़ी हुई हैं, जुड़ रहे हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जी बहुत सर। बहुत 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 धन्यवाद सभी मित्रों का। मैं भी बीच में एक बार नाम ले लूंगा समय आने पर। और एक दोहा देख लीजिएगा कि कन्या के लिए कि बेटी की पूजा करो मत लो उसके प्राण, बेटी की पूजा करो मत लो उसके प्राण, और सृष्टि चक्र थम जाएगा कौन जने संतान, सृष्टि चक्र क्या थम बात है जाएगा कौन जने संतान। जी और कन्या से घर जी स्वर्ग है, कन्या से है आस, कन्या से घर स्वर्ग है कन्या से है आस, बिन कन्या घर यूं लगे जैसे कारावास, बिन कन्या घर क्या यूं बात है, लगे खूबसूरत जैसे कारावास। बात अंतिम दोहा एक और जी सती प्रथा का देख लीजिएगा कि नाम सती का दे दिया ले हव्वा की जान, कि नाम सती का दे दिया ले हव्वा की जान, और आदम उसकी मौत पर क्यों न हुआ कुर्बान, आदम उसकी मौत पर क्यों न हुआ कुर्बान। तो इस दोहे के विधा के साथ आगे बढ़ते हैं और स्वागत अगली तीसरी विधा हाइकू, पांची हाइकू भी प्रस्तुत कर देता हूँ अपने मित्रों के लिए। कि स्वागत न जाने फिर क्यों दर्द हुआ जड़ को, जाने फिर क्यों दर्द हुआ जड़ को काटा था तना, कि जाने फिर क्यों दर्द हुआ जड़ को काटा था तना। और एक हाइकू और देखिएगा कि किसने नापी दिल की गहराई, किसने नापी दिल की गहराई चेहरा देखा, किसने नापी दिल की गहराई चेहरा देखा। और एक हाइकू और है कि ढूंढे बाहर कस्तूरी है अंदर, कि ढूंढे बाहर कस्तूरी है अंदर बेचारा मृग, कि ढूंढे बाहर कस्तूरी है अंदर बेचारा मृग। और एक अंतिम हाइकू बहुत खूब और, जी, ये कहा जाता है कि हाइकू को गा के नहीं पढ़ सकते, ऐसे भी हाइकू बनाए जा सकते हैं कि सूरज का धूप की गठरिया, सूरज का धूप की गठरिया सर्दी में लाना, सर्दी में लाना। तो ये थे हाइकू। हाइकू के बाद बहुत हमारी खूब तीन तीन बहुत खूब विधाएं हो गई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी आभार जो मित्र जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार करते हुए। और एक अगली विधा के रूप में मैं छंद ले रहा हूँ, दो तीन छंद आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनाने की। कि मुरली की धुन सुनी एक नई राह चुनी, प्रेम पगी मीरा रानी जग से बेगानी हुई, कि मुरली की धुन सुनी एक नई राह चुनी, प्रेम पगी मीरा रानी जग से बेगानी हुई,
चांद बनी, रात बनी, तारों की बारात बनी, सुबह हुई सतरंगी, शाम वो सुहानी हुई। तो प्रेम में आनंद बनी, गीत बनी, छंद बनी, खुद बनी कविता, वो खुद ही कहानी हुई। तो राग रंग भूल गई, प्रेम पिंग झूल गई, भूल भाल जग को वो श्याम की दीवानी हुई, भूल भाल जग को वो श्याम की दीवानी हुई। तो ये तो मीरा की बात हुई, और एक छंद और दे रहा हूं, बालिका के बारे में है, स्त्रियों के बारे जी में है, लड़की के बारे में, कि दुनिया निराली है ये नहीं भोली भाली है ये, भोगी सारे कहते हैं जोगी वाला फेरा है। कि दुनिया निराली है ये नहीं भोली भाली है ये, भोगी सारे कहते हैं जोगी वाला फेरा है। नन्ही कली खिलती है, बनती संवरती है, जरा सा उछलती तो आ जाता लुटेरा है। और किसी किसी को ही दिखा धुएं में है चांद छिपा, सूरज भी आया पर हुआ ना सवेरा है। तो आज खुशहाली जली, मन की पराली जली, आज खुशहाली जली, मन की पराली जली, धुआं धुआं जग हुआ कितना अंधेरा है, धुआं धुआं जग हुआ कितना अंधेरा है। और ये दो छंद, छंद के बाद अगली जो पांचवी हमारी विधा है उसके ऊपर आता हूँ, वह माहिया, पांच माहिये, कि जी हमारे जैसे जी जोशी जी है, परम आदरणीय हमारे हरीश नवल जी है, इन सबको प्रस्तुत करता हूँ एक, कि वो लोग निराले हैं, वो लोग निराले हैं, मंजिल से आगे जो जाने वाले हैं, मंजिल से आगे जो जाने वाले हैं। और एक भाई और देखिएगा, ये वक्त का फेरा है, ये वक्त का फेरा है, डेरा वालों का जेलों में डेरा है, डेरा क्या वालों बात, बहुत का खूब जी। जेलों में डेरा है। और एक छंद और, एक माया, कि हो अन्न भरी थाली, हो अन्न भरी थाली, निर्धन के घर तब होती है दीवाली, निर्धन बहुत खूब, के घर तब होती है दीवाली। और एक मैया और, कि जी सबको न सुधारे हम, सबको न सुधारे हम, अपने अंदर के रावण को मारे हम, अपने बहुत अंदर खूबसूरत बात। के रावण को मारे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैया और देखिएगा, कि किस्मत सर के हमसे नीलम जी मारे जुड़ चुकी हैं हैं, वीना अग्रवाल जी जी, जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपको सर, दावा स्वागत है। है जी। एक बार मैं भी सबका आभार कर दूं कि हमारी परम आदरणीय शकुंतला मित्तल जी, वीणा अग्रवाल जी, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी है, नमस्कार करता हूँ, नीलो मेरा जी, मुन्ना शर्मा जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी, इंदु जी अंकिता जुड़ी हुई पांडे है जी, सर, रीता दिनेश जी, वर्मा शाकुन जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा हाफिज जी अल्मोड़ा से बहुत बहुत धन्यवाद। अंदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई है, और हमारी धर्मपत्नी इंदुरा निगम जी नाम लिख के दे रही है जिससे आसान हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत किस्मत बहुत स्वागत है, जिनका के, हम नाम नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। जी सर, किस्मत के मारे हैं, किस्मत के मारे हैं, मंजिल ढूंढे हम उड़ते वो बारे हैं, मंजिल ढूंढे हम उड़ते गुब्बारे हैं। और दो माही और, कि जी छोड़ो ये ईगो तुम, छोड़ो ये ईगो तुम, बच्चे बन जाओ बारिश में भीगो तुम, क्या बात है, बच्चे बन जाओ बारिश में भीगो तुम। और अंतिम मैया, अपनी आने जी वाली पीढ़ी के लिए,
कि कुछ पेड़ लगाएंगे, कुछ पेड़ लगाएंगे आने अगली पीढ़ी को सांसें दे जाएंगे, खूबसूरत बात जी। अगली पीढ़ी को सांसें दे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो जो जुड़े हुए हैं। और ये हमारे 5 जो थे विधाएं हो गई हैं, और 2 विधाएं और गजल और गीत। तो पहले मैं गजल पेश कर रहा हूँ, स्वागत है सर, स्वागत। 15 मिनट का समय चला गया है, 15 मिनट गजल और 15 मिनट गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, अभिनंदन आप जी सबका। शकुनी लिखनी बच्चे बन जाओ, बिल्कुल। सुलेखा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद सुलेखा भाभी का, बहुत अच्छी नर्तकी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। कि उसने जैसा चाहा वैसा कर डाला, कि उसने जैसा चाहा वैसा कर डाला, और आंखों वालों को भी अंधा कर डाला। उसने जैसा चाहा वैसा कर डाला, आंखों वालों को भी अंधा कर डाला, और उसकी तिरछी आंखों का जादू तौबा। कि उसकी तिरछी आंखों का जादू तौबा, भीड़ भड़क्के में भी तन्हा कर डाला। क्या बात, उसकी तिरछी आंखों का जादू तौबा, भीड़ भड़क्के में भी तन्हा कर डाला, और गिरने की कोई हद तो होती होगी, अरे गिरने की कोई हद तो होती होगी, खाली कुर्सी को भी सजदा कर डाला। कि गिरने की कोई हद तो होती होगी, कि खाली कुर्सी को भी सजदा कर डाला, और दिल को छूने वाली गजलें पढ़ पढ़कर, कि दिल को छूने वाली गजलें पढ़ पढ़कर हर एक दिल पर उसने कब्जा कर डाला। कि दिल को क्या छूने बात है, वाली बहुत गजलें सुंदर। पढ़ पढ़कर हर एक दिल पर उसने कब्जा कर डाला। और कविता कहती है, सॉरी, कि हर एक दिल पर उसने कब्जा कर डाला, और मेहरबानियां यारों उनकी देखो तो, अरे मेहरबानियां यारों उनकी देखो तो, पहले जख्म दिया, कि पहले जख्म दिया फिर गहरा कर डाला। कि क्या मेहरबानियां बात है, यारों उनकी देखो तो, पहले जख्म दिया फिर गहरा कर डाला, और आंखों वालों को भी अंधा कर डाला, उसने जैसा चाहा वैसा कर डाला। तो गजलों में शेर ज्यादा है, लेकिन मैं 5-5 शेर सुना रहा हूँ, कि जिससे थोड़ा समय की बचत होती रहे और अच्छे शेर सामने आ जाएं। तो स्वागत है अगली गजल सर, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। आभार। और अगली गजल देखिएगा, कि खुशियां औरों की देखी तो जलने लगते लो, यही हालात है जमाने का, कि खुशियां औरों की देखी तो जलने लगते लो, गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लो, कि गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लो, और हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लो, घबरा बहुत खूब जाते समझ न जी। पाते थकने लगते लो। पर एक शेर वैसे आ गया दोबारा, कि मन कहता है नाव बनाए जी भर कर भीगे, कि मन करता है नाव बनाए जी भर कर भीगे, पर बारिश में छाता लेकर बचने लगते लो, कि पर बारिश में छाता लेकर बचने क्या बात है, लगते लो, और झूठे वादों के धागों से बनती है लेकिन, कि झूठे वादों के धागों से बनती है लेकिन, कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लो, कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लो। प्रदीप से देखिएगा, कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शहरत की खातिर झुकने लगते लो, कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लो।
खुशियां औरों की देखी तो जलने लगते लोग। तो युवती युवती बहुत लोगों की सुंदर बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और बहुत खूबसूरत आगे बढ़ते पंक्तियां हुए सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और अगली गजल पे चलते हैं कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब। कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब। तो इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, कि इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब। कि इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, कि मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब। और ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, कि ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, फरियादे भी पड़ती नहीं सुनाई अब। कि ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, फरियादे भी पड़ती नहीं सुनाई अब। और ऐसी है बीमारी गीतों गजलों की, कि ऐसी है बीमारी गीतों गजलों की, काम कोई भी आती नहीं दवाई अब, काम कोई भी आती नहीं दवाई अब। कि ऐसी है बीमारी गीतों गजलों की, कि काम कोई भी आती नहीं दवाई अब। और पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, कि पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई अब। कि बहुत खूब पहन लिए दस्ताने जी, हमने खुशियों के, और गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई अब। और हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब, रास नहीं आती है ये तन्हाई अब। तो ये तो खैर अपने गमों को छिपाने की बात। और आगे बढ़ते हैं एक गजल के दो चार शेर और। कि हम पर 100 इल्जाम लगे हैं, कि हम पर 100 इल्जाम लगे हैं, हर दिन सुबह शाम लगे हैं, हम पर 100 इल्जाम लगे हैं। और जाने कैसा मौसम आया, जाने कैसा मौसम आया, जामुन पर भी आम लगे हैं, हम पर 100 इल्जाम लगे हैं। और अच्छे देखिएगा कि प्यास हमारी ज्यों की त्यों है, प्यास हमारी ज्यों की त्यों है, बस होठों पर जाम लगे हैं, हम पर 100 इल्जाम लगे हैं। जाने किसने मटकी फोड़ी, जाने किसने मटकी फोड़ी, लेकिन अपने नाम लगे हैं, हम पर 100 इल्जाम लगे हैं। अंतिम शेर कि स्वागत रोटी कपड़े तक वाजिब था, रोटी कपड़े तक वाजिब था, और पानी के भी दाम दाम, लगे हैं, क्या हम बात है। पर 100 इल्जाम लगे हैं, हर दिन सुबह शाम लगे हैं। और आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत शानदार संचालन, और साथ साथ हमारे टीवी सर चैनल के बड़े हमसे जो सवाल है हैं। इंदु निगम जी लगातार जुड़ी हुई है, नीलम वर्मा जी, शकुन जी, सर सभी लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है आपकी रचनाओं को बता रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिनका मैं नाम नहीं भी पढ़ पा रही हूँ उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। स्वागत है चलिए जी एक सर। स्वागत दो गजल और पेश करता हूँ, उसके बाद गीत पे आता हूँ। जी, जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, तो भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं। जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, तो भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं। और रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं, कि रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं। इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं, इस क्या तरह बात है, से बहुत खूबसूरत, जश्न हम बहुत हर दिन खूबसूरत मनाते हैं। जी। और काफियों बहरों रदीफों को इकट्ठा कर, कि काफियों बहरों रदीफों को इकट्ठा कर, हम नए अंदाज से मेले लगाते हैं, हम नए अंदाज से मेले लगाते हैं। और अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, कि अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं। कि हम बहुत उन्हीं के सुंदर, फैसलों पर
सिर झुकाते बहुत हैं सुंदर। और हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, कि हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, बस यही एक बात बच्चों को सिखाते हैं, बस यही एक बात खूबसूरत बच्चों बात को सर। सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर देखिएगा कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, हमने भी की है, आपने भी की है, जितने भी तो जुड़े सबने की होंगी, अब करते रहेंगे, कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, चोरियां चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं, कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं बहुत खूब, करते, वो हमारी बहुत आंख खूब, से आंसू चुराते हैं, बहुत खूब, वो हमारी आंख से आंसू बहुत। चुराते हैं। और चलिए अंतिम गजल की ओर ले चलता हूँ आपको, कि गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, और गीतों के हर अक्षर जैसे हम भी हैं, कि गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, और गीतों के हर अक्षर जैसे हम भी हैं, लफ्जों के जादूगर जैसे हम भी हैं, कि लफ्जों के जादूगर जैसे हम भी हैं, और मन ही मन दीवर जैसे हम भी हैं, कि लफ्जों बहुत के खूब, जादूगर जैसे हम भी हैं, और मन ही मन इंदीवर जैसे हम भी हैं, और कुछ लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं, सबको तो नहीं है, कि कुछ लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं, कि गुरुद्वारे के लंगर जैसे हम भी हैं, कि कुछ लोगों को बहुत हमसे खूब। भी उम्मीदें हैं, कि गुरुद्वारे के लंगर जैसे हम भी हैं, और छोटी गागर जैसी है मेरी गजलें, कि छोटी गागर जैसी है मेरी गजलें, पर गागर में सागर जैसे हम भी हैं, पर गागर बहुत में सुंदर। सागर जैसे हम भी हैं, और कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे, कि कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे, कि कोरोना के नश्तर जैसे हम भी हैं, कि कुछ कुछ बहुत कड़वे खूब, हैं, कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे, कोरोना के नश्तर जैसे हम भी हैं, और सूफी संतों जैसी गजलें गाते हैं, कि सूफी संतों जैसी गजलें गाते हैं, धरती पर पैगंबर जैसे हम भी हैं, कि सूफी संतों बहुत जैसी खूब, गजलें गाते हैं, धरती पर पैगंबर जैसे हम भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आशा रखो हम हैं आशाराम नहीं, कि आशा रखो हम हैं आशाराम नहीं, मत समझो, मत समझो आडंबर जैसे हम भी हैं, मत समझो आडंबर जैसे हम भी हैं, कि जेलों में डेरा है डेरा वालों का, कि जेलों में डेरा है डेरा वालों का, जो कहते थे ईश्वर जैसे हम भी हैं, जो कहते थे ईश्वर जैसे हम भी हैं, और जिनके तीनों वादा करके भूल गए, ध्यान दीजिएगा, कि जिनके तीनों वादा करके भूल गए, उनके चौथे बंदर जैसे हम भी हैं, कि जिनके बहुत खूब, तीनों वादा करके भूल गए, उनके चौथे बंदर जैसे हम भी हैं, और राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, अरे राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, अरे छोटे मोटे पत्थर जैसे हम भी हैं, अरे बहुत राम खूब, अहिल्या का तुमने उद्धार किया, छोटे मोटे पत्थर जैसे हम भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शेर आखिरी, और कि दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी, कि दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी, भोले भाले शंकर जैसे हम भी हैं, कि दुनिया भर का बहुत विष पी सुंदर। डाला हमने भी, भोले भाले शंकर जैसे हम भी हैं। और आखिरी शेर, कि नाम अदीबों में तुम लिखो मत लिखो, अरे नाम अदीबों में तुम लिखो मत लिखो, लेकिन कुछ कुछ शायर जैसे हम भी हैं, कि नाम अदीबों में तुम लिखो मत लिखो, लेकिन कुछ कुछ बहुत शायर सुंदर। जैसे हम भी हैं, और मन ही मन इंदीवर जैसे हम भी हैं, उनके चौथे बंदर जैसे हम भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या बात है आभार, सर, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत धन्यवाद। और ये थी हमारी छठी विधा गजलों की, और अंतिम विधा की तरफ जी। आते हैं, गीत की तरफ बढ़ते हैं, और सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, पटेल का धन्यवाद, जोशी जी का, आप सबका बहुत बहुत आभार करते हुए, अंतिम विधा सातवीं विधा पूरा इंद्रधनुष कंप्लीट हो रहा है, और सबसे पहला कि समर्पित कर रहा हूं मैं माँ को अंतिम विधा का, कि आसमान में चमक रहे हैं जाने कितने तारे माँ, आसमान में चमक रहे हैं जाने कितने तारे माँ, एक सितारा तुम भी हो, कि एक सितारा तुम भी हो, मैं जान नहीं पाया, माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया, अरे माफ मुझे कर क्या बात, दो तुमको
पहचान नहीं पाया। अच्छा देखिएगा कि पूजा पाठ तुम्हारे जैसा कर न सका, और किसी के दुख को भी मैं हर न सका। और तुमको अपना को ईश्वर माना, लेकिन मैं बनू तुम्हारे जैसा ऐसा, कि बनू तुम्हारे जैसा ऐसा ठान नहीं पाया। माफ मुझे कर दो, तुमको पहचान नहीं पाया। और एक छंद और, बहुत सुंदर कि जी। भूखी रह कर मुझे खिलाया करती थी, अपनी नींदे त्याग सुलाया करती थी, और किया निछावर जीवन सबकी खातिर पर, जितना वाजिब था उतना, कि जितना वाजिब था उतना सम्मान नहीं पाया। माफ मुझे कर दो, तुमको पहचान नहीं पाया। क्या एक छंद बात है, और, बात को धन्यवाद। कि वक्त बड़ा मरहम है, लोग बताते थे, भूल तुम्हें जाऊं सब यही सिखाते थे, और काम नहीं आया उनका समझाना भी। समझूं दुनियादारी, कि समझूं दुनियादारी, इतना ज्ञान नहीं पाया। माफ मुझे कर दो, तुमको पहचान नहीं पाया। और अंतिम बहुत छंद, सुंदर सर कि जी। सोचा था ये दीप जलेगा 8 पहर, प्यार तुम्हारा मुझे मिलेगा जीवन भर। ओ कितनी विनती की ऊपर वाले से पर, साथ तुम्हारा रहे सदा, कि साथ तुम्हारा रहे सदा वरदान नहीं पाया। माफ मुझे कर दो, तुमको पहचान नहीं पाया। माफ बहुत मुझे खूब, कर दो, बहुत तुमको खूब। धन्यवाद। और एक छंद और, एक गीत और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत। कि नहीं अमर होने का मन में पाला कोई भ्रम, कि नहीं अमर होने का मन में पाला कोई भ्रम, मिट्टी के गुल्लक जैसे हैं हम, मिट्टी के गुल्लक जैसे हैं हम, क्या बात है, बहुत खूब जी। इसीलिए तो हर पल हंसते रहते हैं, सिक्कों जैसे खन खन करते रहते हैं, तो खुशियों को जीते हैं भूले गम, मिट्टी के गुल्लक जैसे हैं हम। और नहीं किसी के दिल को अब हम तोड़ेंगे, रिश्तों की पाई पाई को जोड़ेंगे, और रखना होगा थोड़ा सा संयम, मिट्टी के गुल्लक जैसे हैं हम। और अंतिम, कि लेकिन स्वागत। एक दिन तो ये सब कुछ छूटेगा, सांसों का गुल्लक तो एक दिन फूटेगा, तो उस दिन ये जीवन जाएगा थम, मिट्टी के गुल्लक जैसे हैं हम, मिट्टी के गुल्लक जैसे हैं हम। समय बड़ी तेज रफ्तार से चल रहा है, एक एक क्षण कम जी करके गीत जी सुना रहा हूं, एक दो गीत और प्रस्तुत करता हूं। आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि क्या बात। नहीं जाएगा, दुनिया साथ छोड़ दे दर्द नहीं छोड़ेगा।
एक जमाने से मेरे साथ चल रहा है वो, मेरे सांचे में मेरे साथ ढल रहा है वो। साथ रोता था मेरे साथ, रोता था मेरे साथ, गुनगुनाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। दर्द ने ठान, और छंद ही गा कि गीत गजलों की तरह साथ सदा साथ। रहता है, अश्क बन करके वो आंखों से मेरी बहता है। गीत गजलों की तरह साथ सदा रहता है, अश्क बन करके वो आंखों से मेरी बहता है। ऐसा लगता है मेरे, ऐसा लगता है मेरे दिल में घर बसाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। और एक छंद और, कि प्रश्न भी पूछता है स्वागत। और मुस्कुराता है, कि प्रश्न भी पूछता है और मुस्कुराता है, मैं हूँ विक्रम तो वो वेताल हुआ जाता है। मेरे कांधे पे ही क्या बात। अब, मेरे कांधे पे ही अब जिंदगी बिताएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। अंतिम चंद, कि तुम्हारे बस में अगर हो उसे बुला लेना, ओ प्यार से दे के जहर नींद में सुला देना, वरना ऊपर भी मेरे, वरना ऊपर भी मेरे साथ चला जाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। आखिरी सांस तलक साथ वो, और अंत में 5-7 मिनट बच रहे हैं शायद मुश्किल से, तो जी सर, दो गीत में पढ़ के, दो गीत के कुछ अंश पढ़ के मैं समापन करता हूँ, स्वागत है सर। प्रेम और बिहारी आप लोगों मिश्र का सर जुड़ आभार, चुके हैं, स्वागत है सर बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आभार आप सबका जुड़े हुए मित्र। तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे। अच्छा देखिएगा, कि तिल के स्वागत। सागर में हलचल है ज्वार और भाटा, कि हम तुम इतनी दूर हुए पसरा है सन्नाटा, कि रोटी जितनी दूर हुई है, रोटी जितनी दूर हुई है, आज गरीबों से मौन रहे कैसे, क्या बात मौन है, रहे बहुत खूब। कैसे। धन्यवाद। गजल कहे कैसे, स्वर व्यंजन सब रूठे से हैं पास नहीं आते, दीर्घ और लघु भरमाते हैं रास नहीं आते, और व्याकरण करे दोस्ती, और व्याकरण करे दोस्ती, हाय रकीबों से गीत रचे कैसे, गीत रचे कैसे, गजल कहे कैसे। और आज का हालात, आज के हालात में, कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी, और चीरहरण नन्ही कलियों का कैसी लाचारी, तो कान्हा आकर तुम ही बचा लो, कान्हा आकर तुम ही बचा लो इन्हें सलीबों से, दर्द सहे कैसे, दर्द सहे कैसे, गजल कहे कैसे। तो अंतिम क्षण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। धन्यवाद, कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, कौन करेगा यहाँ बगावत कोई तो बोले, तो सब उम्मीद लगाए बैठे,
सब उम्मीद लगाए बैठे सिर्फ अदीबों से, होठ सिए कैसे, होठ सिए कैसे, गजल कहे कैसे, गजल कहे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दोस्तों सुंदर हमारा आप सर, सबका, और मुझे लग रहा है शायद अंतिम गीत पढ़ने का ही समय आ गया है, बिल्कुल सर समय अभी 2 मिनट समाप्त हैं अभी हमारे पास। जी ठीक है। अंतिम गीत के 2-3 छंद पढ़ देता हूँ, और ये उनको जी समर्पित है जो बच्चे बाहर जाकर विदेश में फंस गए हैं, उनको समर्पित एक गीत पढ़ रहा हूँ। जी छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, कि छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा, जाने किन किन राहों पर वो भटकेगा, जाने कब वो वापस मुझ तक आएगा। छूट गया, और छंद देखिएगा, कि मन स्वागत। कहता है समझो उसकी मजबूरी, लेकिन रास नहीं आती है ये दूरी मिटने तक ऐसा लगता है, हर पल यूं ही दिल को वो तड़ पाएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से। और सब लोग कहते हैं कि बच्चे चले जाते हैं विदेश तो उनकी गलती है, सबको छोड़े चले जाते हैं, क्या यही सच है? कि उसकी ही गलती है सबने ये माना, ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना, उसकी ही गलती है सबने ये माना, ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना, लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था, दुनिया को जा करके कौन बताएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से। और देखिएगा, जी कि ऊपर बढ़ते जाओ ये समझाया था, और ये सपना भी मैंने ही दिखलाया था, ऊपर बढ़ते जाओ ये समझाया था, और ये सपना भी मैंने ही दिखलाया था, मेरा सपना बहुत पूरा सुंदर। करने की खातिर अपनी नींदों को बेवजह गंवाएगा। छूट गया गुब्बारा। और अंतिम बहुत छंद, खूबसूरत सर, बहुत सुंदर कि रचनाएं सर। सात समंदर और पार बसाया डेरा है, सूरज कब निकलेगा बड़ा अंधेरा है, एक दिन ऐसा होगा इस अंधियारे को वापस आकर के वो दूर भगाएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से। बहुत बहुत सर, धन्यवाद दोस्त उदाहरण आपका से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत काव्य पाठ, बहुत अच्छी रचनाएं आपने साझा की, बहुत 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 खूबसूरत धन्यवाद। संदेश आपने दिए। आप पटल पर आए और आपने इतना अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, नमस्कार आपका भी, पटल का भी, सभी मित्रों का नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।